हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट MM और HRM, MM एंड HRM दो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग MM पढ़ेंगे और अगले वीडियो में HRM पढ़ेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 क्या है, हम लोग सेमिस्टर 2 BCom के लिए पढ़ रहे हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब क्या है। तो मार्केटिंग का मतलब पहले तो बोला मार्केट का मतलब क्या, और फिर पढ़ेंगे मार्केटिंग का मतलब। तो मार्केट का मतलब वो प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर कम टुगेदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों लिख कर आना। फिर आता है मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग का मतलब होता है सेटिस्फाई कस्टमर नीड। हम लोग मार्केटिंग का वर्ड का गलत मीनिंग पढ़ते हैं बचपन से। हम लोग मार्केटिंग का मतलब क्या पढ़ते हैं, मार्केटिंग का मतलब हम लोग समझते हैं कोई चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना, प्रमोट करना, नहीं। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट बनने के पहले से लेकर प्रोडक्ट बिकने के बाद तक की सारी एक्टिविटी। तो बनने के पहले उसका प्राइस डिसाइड करना, आप लोग क्लास 12 में पढ़ते हो 4 P's मार्केटिंग में, मार्केटिंग मिक्स बोल के चैप्टर पढ़ते हो, वहाँ 4 P's पढ़ते हो, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। ये चारों के बारे में डिसीजन लेना ही मार्केटिंग। प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, ब्रांड नेम क्या होगा, लोगो क्या होगा, वो हो गया प्रोडक्ट बनने के पहले का डिसीजन। प्रोडक्ट का लुक कैसा होगा, प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, ये सब हो गया प्रोडक्ट बनने के पहले का टॉपिक। और जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका प्राइस क्या रखेंगे, प्रोडक्ट बनने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, कैसे कस्टमर तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, कैसे दुकानों तक वो सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा, दुकानदार से कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके बाद आफ्टर सेल प्रमोशन, सेल्स के बाद लोगों को कैसे सर्विस देंगे, कस्टमर केयर, कैसे उनके साथ पब्लिक रिलेशन मेंटेन रखेंगे, वो मीडिया के थ्रू, इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो वो सब कुछ मार्केटिंग। तो सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये जो सारी एक्टिविटीज मैंने अभी कही इन सबको मैनेज करना, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर किसको बोले जाते हैं, फिलिप कोटलर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फ़र्क है, क्योंकि जनरली लोग दोनों को एक जैसा समझते हैं। तो मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, जबकि सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने की बात हो रही है। मार्केटिंग में हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स की बात करते हैं, जबकि सेलिंग में हम लोग कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होगा, कंज्यूमर को प्रोडक्ट कैसे जाएगा सेलर से, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग में कस्टमर इज द किंग, बट सेलिंग में प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, प्रोडक्ट को। मार्केटिंग का मेन एम होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जबकि यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना या प्रॉफिट बढ़ाना मेन एम होता है सेलिंग में। मार्केटिंग का मेन एम्फेसिस है टू डेवलप द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर्स नीड, जबकि यहाँ पे बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग एफर्ट, बहुत सारे मार्केटिंग एफर्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे मेन स्ट्रेटेजी कि क्या क्या मार्केटिंग के लिए करना है उसके ऊपर बातचीत होती है, जबकि सेलिंग में प्रमोशन पे बात होती है कि कैसे लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग मीन्स ऑफ लिविंग है। अ ग्रुप ऑफ मिडिल मैन इन्वॉल्व टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मिडिल मैन होते हैं जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक माल पहुंचाते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में अगर तुम पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करो, पहले से प्लानिंग नहीं करो, प्रोडक्ट बनते वक्त प्लानिंग नहीं करो, प्रोडक्ट बनने के बाद बिकने का प्लानिंग नहीं करो, तो काम ही नहीं होगा। तो मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटी है। मार्केटिंग यूटिलिटी क्रिएट करता है, 4 टाइप ऑफ यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पर्सन यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। तो मार्केटिंग यूटिलिटी क्रिएट करता है, और मार्केटिंग सेल को प्रमोट भी करता है। सर मार्केटिंग एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कंपनी को कि हाँ माल बिक जाएगा, कंज्यूमर को भी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल रही है, ये प्रोडक्ट लेने लायक है। मार्केटिंग के थ्रू मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। मार्केटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करती है, आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को, जितना मार्केटिंग एक्टिविटी बढ़ेगा उतने लोगों को जॉब मिलेगी। तो ये सब मार्केटिंग का बेनिफिट है। अगला टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स।
तो मार्केटिंग मिक्स के कितने एलिमेंट है, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था चार है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट का मतलब हो गया वो आइटम, उसका ब्रांड नेम कैसा होगा, लोगो कैसा होगा, लेबलिंग कैसा होगा, ये सब डिस्कशन करना। प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, नाम क्या होगा, ब्रांड नेम, ब्रांड का लुक क्या होगा, कितना क्वांटिटी में माल बेचे, एक पैकेट के अंदर कितना केजी हो, छोटा पैकेट हो, बड़ा पैकेट हो। प्राइस का डिसीजन में दो चीज़ का डिसीजन करना, प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखेंगे, डिस्काउंट कितना देंगे, ऑफर्स वगैरह अगर कुछ देना है, डिस्काउंट वगैरह देना है तो कितना देंगे। प्लेस में कस्टमर तक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो इसमें वेयर हाउसिंग की बात होगी, स्टोरिंग कैसे करके रखे, गोडाउन वगैरह, इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करें, स्टॉक कैलकुलेशन वगैरह। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट का इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कैसे अलग अलग लोकेशन पे माल पहुंचेगा, कैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक पहुंचेगा, होलसेलर से रिटेलर तक, रिटेलर से कस्टमर तक। और प्रमोशन में बात आ जाएगी कि कैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, कैसे एडवर्टीजमेंट हो, क्या क्या ऑफर्स रखें, कैसे प्रेस वगैरह को, मीडिया वगैरह को मैनेज करें, ये सब बात आएगी। कैसे आफ्टर सेल सर्विस दें। फोर सीज ऑफ मार्केट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मार्केट के चार सी क्या है, तो कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, ये चार सी के बारे में आपको रॉबर्ट एफ लॉटरबॉर्न ने बताया था 1990 में। फोर पीज के मॉडल को उन्होंने रिप्लेस किया, मॉडिफाई किया और कहा फोर सीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मार्केटिंग में। कोई पूछे फोर सीज ऑफ मार्केट क्या है, तो ये रहा। अगला टॉपिक था मार्केटिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो तुमको मार्केट या फैक्टर्स या फोर्स जो तुम्हारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग या कंपनी के एबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, वो हो गया मार्केट एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, हमने कॉमर्स में पढ़ा हुआ है, बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स पढ़ते वक्त ही बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता था। यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट की जगह मार्केटिंग एनवायरनमेंट का बात करें, तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या क्या होगा है, मोटा मोटी वही ओनर्स, वर्कर, मशीन, मटेरियल, ये सब हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल हो गया माइक्रो और मैक्रो दोनों। तो एक्सटर्नल अगेन दो टाइप में डिवाइडेड है, तो इंटरनल के ये चार एग्जांपल या चार स्पेसिफिक टाइप्स है। एक्सटर्नल के दो है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में आएगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रमोटिंग, ऑफरिंग, ये सब आ जाएगा। और मैक्रो में आ जाएगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। तो इंटरनल में 5M को मैनेज करने का बात होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो 5M को बोला जाता है इंटरनल फैक्टर, मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मार्केट। ये 5M मैनेज करना इज नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल अंडर द कंट्रोल ऑफ मार्केटर, तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारे इंटरनल एनवायरनमेंट, तुम इनको इजीली घटा या बढ़ा सकते हो ताकि तुम्हारा बिजनेस बेटर काम करे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो कि एक्सटर्नली बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इस पर मार्केटर का कम कंट्रोल होगा। एक्सटर्नल फैक्टर को तुम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल को फिर दो पार्ट में बांटा, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो में कौन आ गया, सप्लायर, कस्टमर, पब्लिक, मिडिल मैन, कॉम्पिटिटर। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा तो तुमको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कम होगा तुमको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। कस्टमर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगा, तुमको ज़्यादा क्या बोलते हैं डिस्काउंट या ऑफर देने पड़ेंगे। कस्टमर का बार्गेनिंग पावर कम होगा, तुमको कम डिस्काउंट ऑफर देना पड़ेगा। पब्लिक का मार्केट में तुम्हारा इमेज अगर बेटर होगा तो तुम्हारा ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, इमेज खराब होगा तो कम प्रोडक्ट बिकेगा। मिडिल मैन अगर तुम्हारे ज़्यादा सपोर्ट में है, तुम्हारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेचते हैं कंपटीटर के मुकाबले तो तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हारा ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो कम। कंपटीटर अगर तुम्हारे कंपटीटर बहुत है मार्केट में और वो तुमसे स्ट्रांग है तो फिर तुमको तुम्हारा कम प्रोडक्ट बिकेगा वरना तुम्हारा ज़्यादा बिकेगा। मैक्रो एनवायरनमेंट में आ गया डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, यानी उस एरिया के लोग कैसे, पॉपुलेशन कैसा है, उनका साइज कैसा है, पढ़े लिखे कितने हैं, एज, जेंडर, एज कितना है, यंग है कि ओल्ड है, ज़्यादा ज़्यादा मेल है कि ज़्यादा फीमेल है, ये सब फैक्टर भी बिजनेस को मैक्रो एनवायरनमेंट एज इम्पैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट होते हैं, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी कितने तुम्हारे प्रोडक्ट के सपोर्ट में है या अगेंस्ट में, लॉ तुम्हारे प्रोडक्ट को लेकर कितने टफ या ईजी है,
फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट। अब मैं आइसक्रीम का बिजनेस करता हूँ और उस एरिया में बहुत ठंड पड़ती है, तो वो नेचुरल फैक्टर मेरे फेवर में नहीं है, और अगर गर्मी का इलाका है तो नेचुरल फैक्टर मेरे फेवर में। नेचुरल फैक्टर का एग्जांपल हो गया क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, पॉल्यूशन, ये सब हो गया। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट माने देश का जीडीपी, इंटरेस्ट रेट बैंकों का, इन महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सब तुम्हारे बिजनेस के फेवर या अगेंस्ट में होते हैं। तो अगर तुम्हारे फेवर में है तो बिजनेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट में है तो बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। सोशियो कल्चर, लोगों का, सोसाइटी का रहन सहन कैसा, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका बिलीफ, उनका कस्टम, उनका वैल्यूज, उनका लाइफस्टाइल, ये सब भी डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजिकल, तुम जो बिजनेस कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेस टेक्नोलॉजी है कि मोर टेक्नोलॉजी है, तुम्हारा टेक्नोलॉजी तुम्हारा बिजनेस में ज़्यादा जल्दी जल्दी बदलता है कि धीरे धीरे बदलता है, ये सब हुआ फैक्टर्स। अब आता है ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है इतना, क्यों इस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि तुमको ये अगर तुम पहले समझ गए तो तुमको थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दोनों है। थ्रेट को तुम गेस कर लोगे, उस थ्रेट को तुम पहले मिनिमाइज कर लोगे, रिस्क को कवर करने का प्लान कर पाओगे, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, माने तुम अपॉर्चुनिटी का पहले यूटिलाइजेशन कर पाओगे, और कोई खतरा होगा तो तुमको पहले पता चल जाएगा, तुम पहले से प्लानिंग बना पाओगे, तुम कॉम्पिटिटर के मुकाबले मार्केट को पहले समझोगे तो तुम्हारा ज़्यादा एडवांटेज होगा। तुम अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड को तुम पहले पकड़ लोगे तो तुम अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पाओगे, कस्टमर को बेटर समझ पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग मतलब अकॉर्डिंग टू द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, कंपनी शुड मेक मार्केटिंग डिसीजन फॉर द पर्पज ऑफ सोशल वेलफेयर, सोसाइटल वेलफेयर। सोशल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि तुम ऐसा प्लानिंग करो मार्केटिंग का कि जिससे सोसाइटी का भला हो। अगर सोसाइटी का भला होगा तो अपने आप तुम्हारे बिजनेस का फायदा होगा। तो जब तुम रिसर्च करो, जब तुम प्लान करो, तो तुम ये देखो कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड होगा, सोसाइटी का भला कैसे होगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड और सोसाइटी का भला हो रहा है तो तुम्हारा बिजनेस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ग्रो करेगा। तो तुम कंज्यूमर वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट वेलफेयर पे ज़्यादा बात करो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ ज़्यादा। तुम सोसाइटी को मदद करो, जब भी कोई प्रॉब्लम आए सोसाइटी में तो लोग तुम्हारे बिजनेस का इमेज को बेटर समझेंगे, मानेंगे बिजनेस अच्छा है, तुम्हारे बिजनेस का भला होगा। तो सोसाइटल मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटर ये मानता है कि तुम्हारा भी सोसाइटी के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा, सोसाइटी सेटिस्फाई होगा, तभी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। सोसाइटी का वेलबींग होगा तो लोग ज़्यादा कमाएंगे, लोग ज़्यादा बेटर रहेंगे, तुम्हारा भी प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा। ये एथिकली भी बहुत ज़रूरी है, मॉरल ग्राउंड, तुम भी सोसाइटी का पार्ट हो, तुम लोगों के साथ फ्रॉड करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ फ्रॉड करेंगे। तुम जितना एनवायरमेंट को डैमेज करोगे तुम्हारा बिजनेस को भी फ्यूचर में उतना ही नुकसान होगा। तुम अगर कल्चर, सोसाइटी, इकोलॉजिकल बैलेंस के अगेंस्ट काम करोगे तो तुम्हारे भी सोसाइटी, बिजनेस को नुकसान होगा। ये था यूनिट वन। अब आ जाओ यूनिट टू, जिसमें पढ़े कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि अकेला कस्टमर कैसे सोचता है, ग्रुप ऑफ कस्टमर कैसे सोचते हैं, कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं कि बाई करना है, क्या वो लोग यूज़ करते हैं, कैसे वो लोग प्रोडक्ट को डिस्पोज करते हैं, क्या उनका आइडियाज़ हैं, ये सब को तुमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है, हाउ अ कस्टमर डिसाइड, उसका डिसीजन प्रोसेस क्या है, कैसे एक इंडिविजुअल कस्टमर डिसीजन प्रोसेस बनाता है कोई भी चीज़ को एक्वायर करने का या यूज़ करने का, कैसे लोग प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तुम भी वैसे ही प्रोडक्ट बनाओ। तो कंज्यूमर बिहेवियर, डिफरेंट कस्टमर का डिफरेंट बिहेवियर होगा, तो तुमको वो समझना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे मेरे जैसे मार्केटर के लिए कि हम कंज्यूमर का नॉलेज समझें, हम नॉलेज लें कि कस्टमर कैसे बिहेव करें। अगर हम प्राइस बढ़ा दें तो लोग लेंगे क्या या नहीं लेंगे, अगर हम प्राइस गिरा दें तो क्या ज़्यादा सेल होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा सेल नहीं बढ़ेगा। मेरा कंज्यूमर डिमांड कैसे बढ़ाता है, कैसे गिराता है, तो किस सामान को घर में कैसे यूज़ करता है, तो ये सब हमको समझना पड़ेगा। हमको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा सर्च करके। अलग अलग एरिया में कस्टमर का अलग अलग बिहेवियर होता है, तो एरिया वाइज समझना पड़ेगा। गांव का आदमी अलग सोचता है, शहर का आदमी अलग सोचता है,
ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर कितना ब्रांड के लिए लॉयल है, क्या कस्टमर ब्रांडिंग के पीछे जाता है या नहीं, उसको चाहिए अच्छा प्रोडक्ट भले ब्रांड नहीं हो, तो वो समझना पड़ेगा। कस्टमर सोशल स्टेटस कैसा है उसका, क्या उस प्रोडक्ट को वो अपने स्टेटस सिंबल की तरह लेता है या उस प्रोडक्ट को नॉर्मल यूज की तरह लेना चाहता है। तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर में ये सब चीज़ें फीचर्स है जिनको समझना बहुत जरूरी है। सेम बातें इंपॉर्टेंस में लिख दिया कि अगर तुम उनके डिसीजन मेकिंग को समझोगे तो तुम तुरंत कस्टमर को समझ पाओगे और उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट डेवलप कर पाओगे। तुम प्राइस का पॉलिसी भी वैसे ही डिसाइड कर पाओगे कंज्यूमर का बिहेवियर अगर समझ जाओगे तो। नया नया प्रोडक्ट तभी लॉन्च कर पाओगे जब तुमको कस्टमर का बिहेवियर पता होगा। पिछले प्राइस चेंज में कस्टमर कैसे रिएक्ट किया था, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो उसी हिसाब से तुम अभी अपना प्राइसिंग डिसाइड कर पाओगे। कंज्यूमर का हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस समझोगे तो तुम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर पाओगे। यही सब इसका इंपॉर्टेंस है। कंज्यूमर बिहेवियर किन किन फैक्टर पर डिपेंडेंट करता है, उसका कल्चर। अब एक नॉन वेजिटेरियन आदमी का एक कल्चर है, वेजिटेरियन आदमी का एक कल्चर है, चाइनीज आदमियों का एक कल्चर है, इंडियन आदमियों का एक कल्चर है। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं जैसे पले बड़े हैं तो हमारा कल्चर वैसा होगा। तो तुमको समझना पड़ेगा उस एरिया का कल्चर कैसे है। लोगों का साइकोलॉजिकल फैक्टर, कस्टमर कैसे रिएक्ट करता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट में कि 100 रुपया भी दाम बढ़ा दो कस्टमर लेता है, कभी कभी ऐसा भी प्रोडक्ट होता है जिसमें 1 रुपया दाम बढ़ा दो कस्टमर नहीं लेगा। तो तुमको समझना पड़ेगा लोगों का साइकोलॉजी क्या है। जैसे 99 वाला प्राइस रखने का 100 लोगों को बड़ा लगता है, 99 छोटा लगता है। सोशल फैक्टर, सोसाइटी का फैमिली कैसा बैकग्राउंड है, उस एरिया में लोग ज़्यादा न्यूक्लियर अकेले फैमिली में रहते हैं कि ग्रुप फैमिली में रहते हैं, वो सब चीज़ें तुमको समझनी पड़ेगी। लोगों का रोल, लोगों का हैबिट, पर्सनल फैक्टर, हर आदमी का इंडिविजुअल चॉइसेस होता है, तो इंडिविजुअल चॉइस कैसे इम्पैक्ट होगी, एज वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, बहुत कुछ देखना पड़ता है, ये सब भी तुमको समझना पड़ेगा। अब अगला टॉपिक आया इस चैप्टर का मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट मतलब मार्केट अलग अलग टाइप का होता है। मार्केट लिखा है क्या, देखो मार्केट सेगमेंट इज अ प्रोसेस विच इज अ हेट्रोजीनियस मार्केट इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप। हमको बाजार को डिवाइड करना पड़ेगा और एक जैसा टाइप का बाजार को एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो पहले अलग अलग जो मार्केट है हेट्रोजीनियस मार्केट उनको समझो और फिर उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करो। तो मार्केट सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज आइडेंटिफिएबल ग्रुप विद इन अ मार्केट। हर मार्केट में कुछ ग्रुप्स होते हैं, तुमको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनका सिमिलर वॉन्ट्स है, जिनका परचेजिंग पावर एक जैसा है। तो अमीरों को एक ग्रुप में डाल दिया, गरीबों को एक ग्रुप, तो वो भी करना मार्केट सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिकल एरिया वाइज अलग अलग बांटना, बंगाल के लोग अलग, महाराष्ट्र के लोग अलग, लोगों का बाइंग एटीट्यूड के हिसाब से, बाइंग हैबिट के हिसाब से लोगों को बांटना। तो मार्केट हेट्रोजीनियस है, माने मार्केट बहुत अलग है। तो तुम वो अलग अलग मार्केट में जो एक जैसे नेचर की है, जिनका सिमिलर वॉन्ट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन सेम है, बाइंग एटीट्यूड सेम है, बाइंग हैबिट सेम है, उसको डिवाइड करो। इसका डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, तुम समझ पाओगे इस मार्केट में तुम्हारा कितना शेयर है। अब एप्पल को पता है कि उसका फोन बिक्री गरीबों में नहीं होगा, लोअर मिडिल क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन उसका मोबाइल नहीं लेंगे, तो उसने पहले ही समझ लिया कि उसका मार्केट शेयर का है, कहाँ उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो समझ पाओगे अगर तुम ये मार्केट को सेगमेंट कर पाओ। इस मार्केट का कस्टमर का कैसा नीड है वो तुम अलग से जज कर पाओगे और उस मार्केट को उस नीड के हिसाब से प्रोडक्ट उतारोगे। अब इंडिया में डोमिनोज हो या पिज्ज़ा हट हो, वो लोग अचारी फ्लेवर पिज्ज़ा भी उतारते हैं और पनीर फ्लेवर पिज्ज़ा भी उतारते हैं, लेकिन हो सकता है लंदन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में वैसा प्रोडक्ट नहीं उतारते। तो वो कस्टमर के नीड को अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे तो वैसा ही प्रोडक्ट बना पाएंगे, कस्टमर को तभी पकड़ के रख पाएंगे, वरना कस्टमर छोड़ के भाग जाएगा और तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब आता है बेसिस, कैसे डिवाइड करें मार्केट सेगमेंट। तो बिहेवियर वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड इज एटीट्यूड टुवर्ड द यूजेज, लोग कैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं उस हिसाब से बांट। ज्योग्राफिकल सेगमेंट एरिया वाइज बांट दो, मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या बंगाल, पंजाब, आसाम, गुजरात, वैसे बांट दो प्रोडक्ट। फिर साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन,
लोगों का किस एरिया में क्या पर्सनैलिटी है, क्या लाइफ स्टाइल है। दिल्ली वालों का लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है, पंजाबियों का लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है, बिहारियों का लाइफ स्टाइल अलग है, मारवाड़ियों का लाइफ स्टाइल अलग है। तो लाइफ स्टाइल वाइज, पर्सनैलिटी वाइज वैसे तुम बांट सकते हो मार्केट। डेमोग्राफी सेगमेंट मतलब एज वाइज, जेंडर वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, पढ़े लिखे लोग या बड़ी पोस्ट वाले लोगों का सोच अलग होता है, छोटी पोस्ट या कम पढ़े लिखे लोगों का अलग होगा, बिजनेसमैन का सोच अलग होगा, नौकरी वालों का सोच अलग होगा। इनकम वाइज अमीरों का सोच अलग, गरीबों का अलग। एजुकेशन वाइज ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अलग वे में सोचेंगे, कम पढ़े लिखे अलग। तो वैसे मार्केट की बात करो, बांट लो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी ऑफ हाईलाइटिंग द प्रोडक्ट्स फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स सो टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कंपटीटर फ्रॉम देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग। तुम अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या अलग करो कि वो कंपटीटर के प्रोडक्ट से अलग नजर आए। तो प्रोडक्ट को बहुत तरीके से तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाओ मार्केटिंग का कि तुम्हारा प्रोडक्ट राइवल्स के प्रोडक्ट से अलग नजर आए। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से अलग नजर है। लोगों को तुम अट्रैक्ट तभी कर पाओगे अगर तुम्हारा प्रोडक्ट उनको कैसा लगेगा, तो क्या ही अट्रैक्ट करूंगा। थर्ड नंबर चैप्टर आ गया प्रोडक्ट। थर्ड नंबर चैप्टर इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी पहला पी, हमने कहा था आगे चार पी आएंगे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स का, यही चार फैक्टर्स है। तो पहला आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज वन ऑफ द पी रेफर्ड इन द मार्केटिंग मिक्स, यही मार्केटिंग के थ्योरीज में इसका बात होता है। एवरी बिजनेस स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट। हर बिजनेस का एक ही पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लोगों का जरूरत या लोगों का प्रॉब्लम ही तुम सॉल्यूशन बना के अगर दे सकते हो, तुम्हारा प्रोडक्ट अगर लोगों का सॉल्यूशन है। जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जब हम छोटे थे तो ट्यूब, ये जो टूथपेस्ट आते हैं ये बड़ी बड़ी ट्यूब में ही आते थे, ये बड़ी बड़ी ट्यूब में ही आते थे, आधा किलो का, 500 ग्राम का पैकेट, 200 ml ऐसे पैकेट आते थे। लेकिन धीरे धीरे कंपनियों ने समझा कि लोग ट्रैवलिंग में भी लेकर जाते हैं टूथपेस्ट को, तो उन्होंने 10 रुपये वाला छोटा टूथपेस्ट भी निकाल दिया। कुछ प्रोडक्ट पैकेट में ही आते हैं, कुछ प्रोडक्ट बॉक्सेस में आते हैं, क्योंकि लोगों का जरूरत ऐसा। तो यही चीज़ों को लेकर बात हो कि लोगों का जो प्रॉब्लम है तुम उसका सॉल्यूशन वाला प्रोडक्ट बना दो, लोग तुरंत ले लेंगे। अब फ्रिज कैसे बना, रेफ्रिजरेटर, तो खाना रखने से वो खराब हो जा रहा था, तो ठंडे में रखो तो खराब नहीं होता। तो लोगों का प्रॉब्लम था कि खाना खराब हो जाता है, तो उन्होंने क्या किया, रेफ्रिजरेटर, कंपनियों ने रेफ्रिजरेटर बना दिया। गर्मी लग रही है लोगों को बहुत, पंखे से गर्मी मिट नहीं रही है, एसी बना दिया। कंप्यूटर में तो काम हो ही रहा था, लैपटॉप बना, क्योंकि लोग उसको कैरी करके काम करना चाहते हैं। तो यही सब हुआ, लोगों का प्रॉब्लम का तुम सॉल्यूशन बना दो, यही पी के बारे में बात करते हैं। तो जो बिजनेस सॉल्यूशन दे रहा है उसी को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट को अलग अलग वे में क्लासीफाई किया। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हम और तुम रेगुलर यूज करते हैं, जो हम अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए फाइनल कंज्यूमर जो यूज करते हैं, जो परचेज करके लाते हैं, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब कस्टमर कैसे कैसे प्रोडक्ट को यूज बाई करते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उसके लाइफ को ईजी बनाने का काम करते हैं, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जैसे साबुन, फास्ट फूड, ये कन्वीनियंट प्रोडक्ट। तो जो परचेज इमीडिएटली एंड फ्रिक्वेंटली विद अ लिटिल एफर्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट जैसे कपड़े, फर्नीचर, कार, ये सब चीज हो गया, जो लोग लेस फ्रिक्वेंटली लेते हैं और बहुत केयरफुली कंपेयर करके लेते हैं, प्राइस क्वालिटी सब देख के लेते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो तुम्हारा पर्टिकुलर नीड को पूरा करे, जैसे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट जो तुमको स्टेटस सिंबल दे। तुम डिजाइनर क्लोथ क्यों लेते हो, स्टेटस लगे लोगों को। तुम पर्टिकुलर ब्रांड ही क्यों ले रहे हो, तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अनशॉट प्रोडक्ट आइदर नॉट नोन टू द कस्टमर और दे आर नोन बट कस्टमर डू नॉट यूजुअली कंसिडर देम टू परचेज, उसको बोलते हैं अनशॉट। जैसे ब्लड डोनेशन, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब लोग जानकारी रखते हैं लेकिन सब लेते नहीं है। तो ये हुआ कंज्यूमर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी वो मशीनरी वगैरह है जो इंडस्ट्री में यूज हो, फैक्ट्रीज में, बिजनेस में, वहाँ यूज होगा, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मटेरियल्स,
पार्ट, कैपिटल आइटम यानी मशीन्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, सप्लायर एंड सर्विसेज माने रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें बिजनेसमैन लेता है। पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया एंड प्लेस, ये भी एक प्रोडक्ट है। देखो प्रोडक्ट को तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और लास्ट क्या बोला, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज एंड प्लान, ये भी प्रोडक्ट है। तुमको कोई आइडिया दे रहे हैं, तुमको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस लॉयर का सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्विस, ये सब हो गया एक और प्रोडक्ट। अब आया प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या बातों का डिसीजन लेते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू इट्स कस्टमर। प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड बाय अ कंपनी। एक कंपनी कई एक प्रोडक्ट को बना रहा है ताकि लोगों को एक कंप्लीट सर्विस दे सके। क्या क्या एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट मीन्स आर द फॉलोइंग डायमेंशन। तुम लेंथ का बात करते हो, छोटा बड़ा प्रोडक्ट, कंसिस्टेंसी, रेगुलर अवेलेबिलिटी का बात करते हो, ये वाला टॉपिक छोड़ सकते हो, कुछ काम करना। अब आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। तो अदर प्रोडक्ट कैसे तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करे, कंपिटिटर कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, तुम भी वैसा बनाते हो, तुम्हारा अपना स्ट्रेटेजी क्या है, तुम ज्यादा महंगा बनाना चाहते हो ज्यादा सस्ता, कैसे मार्केट को पूरा यूज कर पाओगे वैसा प्रोडक्ट बनाते हो। मैनेजमेंट जो तुम्हारा जिस तुम्हारा कैपेबिलिटी है जो चीज वही बनाते हो, जो रिसोर्स अवेलेबल है तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है तुम वो बनाते हो, ये सब हो गया प्रोडक्ट मिक्स का बात। अब प्रोडक्ट मिक्स में तीन टॉपिक पे बात होगा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग मतलब क्रिएटिंग अ यूनिक नेम एंड इमेज फॉर अ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। तो ब्रांड इज अ नेम, सिंबल या कोई डिजाइन, कोई लोगो, ये सबको बोलते हैं ब्रांड, जिससे कोई भी उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके एक बार। तो ब्रांडिंग का एडवांटेज क्या है सर, अगर ब्रांड फेमस हो जाए तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही पहचान रहे तो ज़्यादा ऐड करने का जरूरत नहीं। तुम्हारा मार्केट में ज़्यादा शेयर चलेगा, तुम्हारा ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, मतलब अगर 100 प्रोडक्ट बिकता है तो ज़्यादा तुम्हारा बिकेगा अगर तुम ब्रांडेड बन जाते हो। तुम ब्रांड बनने के बाद अपना हाई प्राइस रख सकते हो और तुमको बार बार पैसे कम करने का जरूरत नहीं है सेल बढ़ाने के लिए। रेगुलर सप्लाई दे पाओगे, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो इजीली कस्टमर पहचान जाएंगे, क्योंकि उस ब्रांड का नाम ऑलरेडी फेमस है, तो उसका और प्रोडक्ट आएगा तो लोग पहचान जाएंगे। तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग नजर आएगा ब्रांडिंग के कारण, और तुम अगर ब्रांड बन गए तो तुम्हारा बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा, कस्टमर का नहीं, तुम जिस दाम में बेचोगे वो लेगा। नेक्स्ट क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए। पैकेजिंग इज द प्रोसेस स्पीक ऑफ कंपनी एबिलिटी टू कंटेन इकोनॉमिकली मैन एंड मैन नेचुरल प्रोडक्ट फॉर शिपमेंट, स्टोरेज, सेल, ये सब में मदद करेगा। रैपिंग करने को जो बोलते हैं प्रोडक्ट को, डब्बा में डालना, कार्टून का बॉक्स में डालना, दैट इज पैकेजिंग। तो पैकेजिंग कितने टाइप, पैकेजिंग का क्या फायदा है, क्या ऑब्जेक्टिव है मेन पैकेजिंग का। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इजी, पैकेट देख के लोग पहचान लेंगे प्रोडक्ट को। प्रमोशन इजी, जितना सुंदर पैकेट लोग उतना अट्रैक्ट होते हैं। प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है तो पहला पॉइंट होना चाहिए कि प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। प्रॉफिट जनरेशन, जितना सुंदर पैकेजिंग, लोग पैकेट पे भी अच्छा पैकेजिंग करके प्राइस बढ़ा के बेच देते हैं। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है जो है बहुत सिंपल लेकिन पैकेजिंग इतना सुंदर हुआ कि उसका दाम हाई भी रखे तो बिक गए। लोग कन्वीनियंटली जब बड़े बड़े दुकानों में, मॉल में जाते हो, अगर पैकेट में प्रोडक्ट है तो तुम खुद इजीली उसको कैरी करके काउंटर पे जाके बोल सकते हो भैया ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर वही खुला होता तो तुम कैसे लेके जाते काउंटर पे, कस्टमर को कन्वीनियंस होता है। पैकेजिंग तीन टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी और शिपिंग या ट्रांसपोर्ट पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग यानी जो पहला डब्बा या पहला बॉक्स या पहला कुछ भी जिसमें तुम प्रोडक्ट को डालते हो, फॉर प्रोटेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो खराब नहीं हो उसके लिए, गिर नहीं जाए उसके लिए। सेकेंडरी पैकेजिंग हुआ कन्वीनियंट पैकेजिंग, जैसे टूथपेस्ट का ट्यूब, वो हुआ प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद वो टूथपेस्ट का ट्यूब को एक गत्ता का डब्बा में डालते हैं, वो हुआ सेकेंडरी पैकेजिंग, ताकि वो प्रोडक्ट स्पॉयल नहीं हो जाए और कस्टमर को इजीली लगे कैरी करने में। और तीसरा होता है शिपिंग या ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, मतलब बड़े बड़े कार्टून में माल भर के एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के लिए। और तीसरा आता है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब
एनीथिंग मे बी अ पीस ऑफ पेपर प्रिंटेड और स्टेटमेंट इम्प्रिंटेड ऑन मेटल लेदर विच इज आइदर पार्ट ऑफ पैकेज और अटैच इन इंडिकेटिंग वैल्यू ऑफ द कंटेंट। प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन चिपकाना, उसी पे लिख देना प्रिंट करके प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर अलग से चिपका देना, दैट इज नोन एज लेबलिंग। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कस्टमर को देने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर सब कुछ लिख देना, नेम क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, लोगो क्या है, कौन सा कंपनी बनाया है, क्या प्राइस है, क्या एमआरपी है, कितना में बिकेगा मैक्सिमम, मतलब एमआरपी सॉरी, कितना वेट है उसका, क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, क्या प्रोटेक्शन रखना है यूज़ करते वक्त, उस सब जो चीज़ें इंफॉर्मेशन रहती है टैग करते हैं, दैट इज नोन एज लेबलिंग। अगला टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन द स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट गो थ्रू फ्रॉम व्हेन इट वाज फर्स्ट थॉट ऑफ अंटिल इट फाइनली रिमूव फ्रॉम द मार्केट। पहली बार जब प्रोडक्ट बना और अल्टीमेटली जब वो मार्केट तक पहुंचा और कस्टमर उसको खरीद के घर ले गया, तो बनने से लेकर कस्टमर के घर ले जाने तक के लाइफ को बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नॉट ऑल द प्रोडक्ट इज फाइनल स्टेज। बहुत ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके काम तो चालू हुआ पर पूरा बन नहीं पाया और फिर लास्ट में बिका ही नहीं। तो पहला इसका स्टेज क्या होगा, इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेज स्टार्टिंग और फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जहाँ पे तुम रिसर्च करते हो, डेवलप करते हो और प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो। ग्रोथ मतलब उस प्रोडक्ट को फिर उसका सेल बढ़ाते हो और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो फास्टर रेट पे, दैट इज ग्रोथ। मैच्योरिटी माने अब वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, अब और नहीं बिके और ज़्यादा अब उसका सेल नहीं बढ़ेगा, उसका ग्रोथ रेट अब धीरे धीरे स्लो, और डिक्लाइन मतलब धीरे धीरे उसका सेल खत्म और प्रोडक्ट मार्केट से आउट, प्रोडक्ट मार्केट से आउट। यही बात लिखा था कि प्रोडक्ट पहला स्टेज यानी बनने से लेकर मार्केट से ख़त्म हो जाने तक के लाइफ को बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके ये पाँच चार स्टेज हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, एक नया प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है, तो देर आर फॉलोइंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, जनरेशन ऑफ आइडियाज, स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले तुमको एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा कि तुम क्या बनाना चाहते हो, क्या वो बनाने लायक है। जनरेशन ऑफ आइडिया, वो आइडिया डेवलप करो, पार्टी से बात करो, मैनेजमेंट लेवल पर बात करो कि अपने लोग ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका मार्केट में डिमांड हो सकता है। अब उसका स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन, बहुत सारे आइडियाज आएंगे कैसे बनाएं, क्या करें, क्या अलग बनाएं, तो वो सब का फिजिबिलिटी चेक करना, माने क्या वो पॉसिबल है जो आइडिया तुम सोच रहे हो। फिजिबिलिटी तीन वे में चेक होता है, क्या टेक्निकली पॉसिबल है वो बनना, क्या फाइनेंशियली वो बनाने के लिए मेरे पास पैसा है, और क्या इकोनॉमिकली पॉसिबिलिटी है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब क्या ये बिकेगा, क्या इसमें कमाई का स्कोप है, ये पता करो। अब बिजनेस एनालिसिस करो कि हम इसमें कैसा बिजनेस करेंगे, इसके कौन ऑलरेडी इसमें कंपटीशन में है, कौन लोग बना रहे हैं, क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कर लेना, ये सब पता करना। अब प्रोडक्ट डेवलप करो, अब प्रोडक्ट का वो क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होगा, ये सब रेडी करके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो। अब उसको मार्केट में टेस्ट करो, पहले थोड़ा बहुत बनाओ, प्रोडक्ट रेडी हो गया थोड़ा बहुत मार्केट में उतारो, अगर लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं वो देखो, और अब उसको कमर्शलाइज करो, मतलब उसको और प्रोडक्ट बनाओ और डिस्ट्रीब्यूट करो मार्केट में, पूरा फैला दो उसको। ये हो गया यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला दो पी खत्म, पहला पी खत्म प्रोडक्ट, दूसरा पी आ रहा है प्राइसिंग, और तीसरा पी होगा डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस। तो प्राइस मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द प्राइस, डिटरमाइनिंग द पॉसिबल रेंज ऑफ प्राइस। तो एक प्राइस क्या होगा, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, वो रेंज सेट करना। फाइनल प्राइस हम अल्टीमेटली क्या रखेंगे, प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे हम अपने पास, कैसे डिस्काउंट देंगे, क्या नहीं देंगे, ये सब प्लानिंग करना इस प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि मेरा सेल क्या, अगर हम प्राइस को सही रखेंगे तो ही हम डिसाइड कर पाएंगे मेरा कितना प्रोडक्ट बिकेगा। अब एप्पल प्राइस हाई रखता है तो उसको पता है कि उसको पर पीस प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उतना सेल नहीं होगा, और MI, वीवो, ओप्पो, इनको पता है कि प्राइस कम रखते हैं, प्रॉफिट कम होगा लेकिन सेल ज़्यादा होगा। तो तुमको इन दोनों बात को ध्यान में रख के प्राइसिंग डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हारा प्रॉफिट कितना रखने का मन है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करोगे, तुम कितना रिटर्न चाहते हो, तुम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब हम 1 करोड़ लगा के अगर 10,000 रुपये महीना कमाएंगे तो करेंगे ही नहीं ऐसा काम, तो मेरा
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो कितना प्रॉफिट मेंटेन रखना ही है, ये सब प्लानिंग करेंगे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी डिसीजन लेना है। स्टेटस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, मेरा प्रोडक्ट का स्टेटस क्या होगा, टू हाई भी नहीं होना चाहिए, टू लो भी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें मार्केट में कॉम्पिटिटिव है कि नहीं, मेरा प्राइस बार बार अपडाउन नहीं हो, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या बातों पर प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, अगर वो टिकने लायक प्रोडक्ट है, लंबा बिकने वाला प्रोडक्ट है, तो हम लोग स्टार्टिंग में लो प्राइस रख सकते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम तक बिकने वाला प्रोडक्ट, पता है ये प्रोडक्ट बना लेंगे तो अगले 50 साल तक इसका सेल होगा ही हो। दूसरा बात, कंज्यूमर कैसे, अमीर की गरीब, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, मेरे कस्टमर कौन से होंगे, टारगेट कस्टमर, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या, हाई प्राइस की हाई सेल, अगर हाई प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है तो हाई प्राइस रखेंगे, अगर हाई सेल्स ऑब्जेक्टिव है तो कम प्राइस रखेंगे। इमेज ऑफ द फर्म, मेरे मार्केट में गुडविल कैसा है बिजनेस का, अगर मेरा ऑलरेडी बहुत गुडविल बढ़िया है तो हम हाई प्राइस रख सकते हैं, लेकिन अगर मेरा गुडविल अभी नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो लो प्राइस रखेंगे। मेरा इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है, मार्केट का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, मार्केट अभी बहुत अच्छा चल रहा है हम हाई प्राइस रखेंगे, मार्केट का बहुत बुरा हालत है हम कम प्राइस रखेंगे, मेरा प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट कितना लग रहा है उस हिसाब से भी हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं प्राइस, और हमको कितना उधार में पैसा मिल रहा है, हम कितना उधार देंगे, अगर बहुत ज़्यादा दिन का उधार देंगे तो हाई प्राइस रखेंगे, बहुत कम दिन का उधार रखेंगे तो कम प्राइस रखेंगे। अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होते हैं, तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग के, प्राइसिंग का स्ट्रैटेजी मतलब प्राइस स्ट्रैटेजी जब वो फाइंडिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस, हम कितना दाम रखें वो पता करने को बोलते हैं प्राइस स्ट्रैटेजी। तो यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, बहुत लोग क्या करते हैं 99 प्राइस रखते हैं, 99, 199, ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होते हैं। प्राइस फॉर प्रमोशन, तुम लोग देखोगे जो एक प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में बहुत ज़्यादा ऑफर गिफ्ट ये सब निकाल देते हैं लोग, वाउचर देंगे, एक पे फ्री देंगे, तो वैसे भी होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अगर पेनिट्रेशन का मतलब होता है एक मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग हैं, बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमको उस मार्केट में घुसना है अगर, तो हम क्या करेंगे, हम प्राइस कम रखेंगे ताकि हम भी उस मार्केट में पहले थोड़ा कैप्चर कर लें, उसके बाद प्राइस बढ़ाएं। वैल्यू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हमको लगता है मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत हाई है, रिड्यूसिंग करेंगे हम प्राइस को ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमको बाहर के फैक्टर्स के कारण कॉम्पिटिटर को देखते हुए अपना प्राइस रखना पड़ेगा। प्राइसिंग ऑप्शनल प्रोडक्ट, इन कंपनी डिक्रीज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, दे इंक्रीज देयर प्राइस फॉर देयर अवेलेबल ऑप्शन सर्विस, तो अगर तुम्हारा इनपुट्स वगैरह सस्ता आ रहा है तो तुम कम प्राइस रख सकते हो। प्रीमियम प्रोडक्ट का प्राइस हाई, अब जैसे तुम चाय पत्ती में देखोगे टाटा टी आ रहे, टाटा टी गोल्ड, तो गोल्ड वाला प्रोडक्ट का प्राइस हाई, नॉर्मल टाटा टी का प्रोडक्ट कम, प्राइस कम। प्राइसिंग क्यों जरूरी है इतना सोचना, ताकि मार्केट में मेरा पोजीशन प्राइस से डिसाइड होगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन प्राइस के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, हम मार्केट कितना कैप्चर कर पाएंगे प्राइस को देख के डिसाइड होगा, और सेल्स वॉल्यूम मेरा कितना माल बिकेगा, ज़्यादा की कम क्वांटिटी कितना बिकेगा, वो भी प्राइसिंग पर डिपेंड है। अब दुनिया में बहुत मेथड है प्राइस डिसाइड करने, एक होता है कॉस्ट प्लस प्राइस, जितना प्रोडक्ट बनाने का खर्चा लगेगा प्लस हम इतना प्रॉफिट चाहते हैं, मान लो बनाने का अगर 100 रुपया लग रहा है 20% प्रॉफिट रखें, तो 100 में बना तो 120 में बेचे, अगर 80 में बन गया तो 80 × 20% 96 में बेच देंगे, ये भी होता है। मार्कअप प्राइस, वे मार्कअप इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इन अदर वर्ड इट इज द मेथड ऑफ एडिंग अ प्रॉफिट परसेंटेज टू द सेलिंग प्राइस। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, मेरे को मिनिमम इतना कमाई चाहिए, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड कर। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग माने मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेक द कस्टमर्स परसेप्शन, कस्टमर कैसा प्राइस चाहता है उसको देख के प्राइस डिसाइड कर। वैल्यू प्राइसिंग माने री इंजीनियरिंग इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टार्टिंग में मेरा प्राइस हाई था, अब हम ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर दें ताकि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए। गोइंग रेट प्राइस, जो बाजार में दाम सबको ही ले रहा है हम भी वही ले रहे हैं, राइवल्स को देख के प्राइस डिसाइड करना। डिफरेंशियल प्राइसिंग, अलग अलग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप का प्राइस। एज वाइज, हम शर्ट यंग बच्चों वाला शर्ट महंगा में बेच रहे हैं और ओल्ड एज पीपल वाला शर्ट को थोड़ा कम दाम में रख दिए। लोकेशन वाइज, महाराष्ट्र में प्राइस हाई, बंगाल में कम, ये सब भी होते हैं।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का क्या होगा, प्राइस स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ प्राइस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लाइफ साइकिल, इसे फालतू पॉइंटे छोड़ सकते। अगला टॉपिक आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी थर्ड पी, पी माने प्लेस। हम कौन सा चैनल यूज करेंगे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने। चैनल का मतलब होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट चैनल या इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब, डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है हम ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम कस्टमर को खुद ही सेल करेंगे, नो मिडिल मैन। जबकि इनडायरेक्ट में तीन हो गया, वन वे टू वे थ्री वे। वन वे माने ओनली वन मिडिल मैन, माने बीच में सिर्फ रिटेलर होगा, तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में सिर्फ रिटेलर। टू वे माने मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में दो लोग होंगे, होलसेलर एंड रिटेलर। और थ्री वे माने मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में तीन लोग होंगे, मिडिल मैन, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर। ये होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग और भी क्या टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करेंगे, कैसे प्रोडक्ट का गुडाउनिंग यानी वेयरहाउसिंग करेंगे, ये सब भी इसमें डिसीजन लिया जाता है। कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना है, एयरवे, वाटरवे, रोडवे की रेलवे, गुडाउनिंग कैसे मेंटेन होगा, स्टॉक मेंटेन कैसे होगा मेरा किस एरिया में। तो ये चैनल किन बातों को ध्यान में रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल डिसाइड अगर हम ठीक से कर रहे तो उसका फायदा क्या होगा, हम ऑन टाइम डिलीवर कर पाएंगे, मेरे को डिस्टेंस का इशू नहीं होगा, क्योंकि जिस एरिया में हमको दूर लग रहा है वहाँ पहले ये ग्राउंड बना लेंगे, वही माल पहुँचा के रख देंगे, या वहाँ पे एक मिडिल मैन अपॉइंट कर लेंगे। मेरा प्रॉपर हर एरिया में स्टॉक मेंटेन रह पाएगा, मेरे को उस एरिया का मार्केट का जानकारी ठीक से मिल पाएगा, मेरे प्रोडक्ट का हम प्रमोशन ठीक से कर पाएंगे, मेरे को फाइनेंशियल हेल्प होगा क्योंकि बल्क प्रोडक्ट बिकेगा, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हम जितना ज़्यादा मिडिल मैन बढ़ाएंगे उतना मेरा लोगों को भी जॉब मिल रहा है, और रिस्क कम हो जाएगा मेरा डिलीवरी का, क्योंकि हम तुम तक पहुंचा दिए, तुम आगे पहुंचाने का जिम्मेदारी ले रहे हो, तुम भी मेरे रिस्क को शेयर कर लियो। हम अकेला बेचे तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही समझाया, पहले बोला डायरेक्ट चैनल मतलब हम डोर टू डोर जाके बेच रहे हैं, खुद का दुकान खोल के बेच रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर लेके खुद बेच रहे हैं। इनडायरेक्ट चैनल तो वन टू थ्री वे, इसका बात हम कर चुके, समझा दिया अभी आपको। लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है इसमें, प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। तो चौथा पी आ गया प्रमोशन। प्रमोशन में चार चीजों का बात होता है, एडवर्टीजमेंट का बात होगा, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन का बात होगा, माने वो ऑफर वगैरह है, एक पे फ्री, इसके बाद एडवर्टीजमेंट एक होगा, पर्सनल सेलिंग माने वो डोर टू डोर माल बेचना, रोड पे रस्ते पे वो कैंपेन लगाना ताकि लोग घूमे और प्रोडक्ट खरीद ले मेरा, बड़े बड़े मॉल में स्टॉल लगाना, पर्सनल सेलिंग। और चौथा है पब्लिक रिलेशन, पब्लिक को इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचाना। वो बड़े बड़े हीरोज लोग को तुम देखते हो मूवी के पहले, वो लोग मॉल में आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मीडिया मैच के बाद या मैच के पहले क्रिकेटर लोग मीडिया से बात करते हैं, या बड़ा बड़ा सेमिनार कॉन्फ्रेंस होता है, वो सब हो गया सेल्स प्रमोशन। तो चार तो एलिमेंट है इसके। तो पहला बात आया प्रमोशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो कस्टमर बढ़ेंगे अगर हम प्रमोशन बेटर करेगा तो, मेरे ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों में, ज़्यादा हम एडवर्टीजमेंट और ये सब करेंगे तो, मेरा कौन सा सेगमेंट है हमको पता चल पाएगा, कहाँ ज़्यादा बिक रहा है वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर जहाँ कम बिक रहा है वहाँ कैसे और बढ़ाएं, वो हमको पता चल जाएगा, हम प्लान कर पाएंगे, मेरा सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रमोशन का नेचर क्या है, तो प्रमोशन में कम्युनिकेशन लगता है, प्रमोशन कस्टमर को कन्वीनियंस देता है, प्रमोशन एक टूल है कंपटीशन में, मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा, प्रमोशन हमको इन्फॉर्मेशन देता है। टाइप ऑफ प्रमोशन हम पहले बोला सेल्स प्रमोशन, ये क्या हुआ, हम लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, मतलब हम लोगों को डिस्काउंट, जो को यहाँ पे बोला रिफंड ऑफर, कैशबैक, लकी ड्रॉ निकालना, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, रिबेट यानी डिस्काउंट देना। रिबेट का मतलब होता है आज एक खरीदो एक कूपन देंगे, नेक्स्ट टाइम आओगे तो उस कूपन से फिर डिस्काउंट पर परचेजिंग कर पाओगे, होता है ना पेट्रोल वगैरह में,
आप एक बार शॉपिंग करो आपको वाउचर देंगे, अगली बार आना वो वाउचर यूज करना तो उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वांटिटी डील, एक पे एक फ्री, या 100 ग्राम का पैकेट में एक्स्ट्रा 20 ग्राम डिस्काउंट ऑफर, ये तो बताइए। ये सब हो गया टेक्निक्स। ये शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ये स्टॉक क्लियरिंग के लिए भी होता है। एक पे एक फ्री क्यों देते हैं? पुराना स्टॉक का क्लियर करने के लिए। ये टेक्निक है कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट से कनेक्ट करने के लिए, कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए। ये सब हो गया इसका पॉइंट। नेक्स्ट आया पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब ये होता है वो पब्लिक रिलेशन, वो सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये सब करना। नेगेटिव पब्लिसिटी भी होता है, पिक्चर के पहले सोचते ही हो कि कोई ना कोई झमेला दिखा दिया, उससे लड़ाई बढ़ा, लोगों को पता चल गया अच्छा ऐसा भी एक पिक्चर आ रहा है। तो पब्लिक को अपना प्रोडक्ट से जानकारी देना, डेट इज पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन मेंटेन रखना ताकि मार्केट में मेरे बिजनेस का गुडविल क्रिएट हो। ये लोगों को मेरा पॉलिसीज कन्वे करने में हेल्प करते हैं, मेरे को भी लोगों से जानकारी मिल पाते हैं। जो ये तुम कस्टमर केयर देखते हो, प्रोडक्ट बेचने के बाद कॉल करके तुमसे पूछ रहे सर कैसा लगा प्रोडक्ट, वो भी पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी का तरीका है। मेरे को लोगों का कंप्लेन पता चल जाएगा इससे, क्या पसंद है क्या ना पसंद आ रहा है मेरे प्रोडक्ट में, लोगों का मेरे प्रोडक्ट के लिए क्या एटीट्यूड है वो पता चल जाएगा, मेरा मार्केट में कितना गुडविल चल रहा है पता चल जाएगा। और अगर गुडविल नहीं है तो बिल्ड इमेज बढ़ेगा धीरे धीरे, इससे लोग भी बोलेंगे ये कंपनी अच्छा है। तो देखो इवेंट ऑर्गेनाइज करना या पब्लिक सर्विस एक्टिविटी, वो कस्टमर केयर स्पीचेस वगैरह, न्यूज़ चैनल में आना, कुछ मैगजीन जर्नल ये सब छाप देना। थर्ड हुआ एडवर्टीजमेंट, थर्ड एलिमेंट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। हम पैसा दे रहे हैं किसी और को कि मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करें, लेकिन वो पर्सनली नहीं जा रहे टीवी वगैरह में, चैनल वगैरह में। जैसे अमिताभ बच्चन को पैसा दे रहे हैं मेरा प्रोडक्ट का ऐड करने का, तो ये नॉन पर्सनल तरीका हुआ। कस्टमर से मिल तो नहीं रहा है वो मेरे, हम उसको पेमेंट भी कर रहे हैं ताकि वो मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करे, मेरे आइडिया को, मेरे गुड्स को, मेरे सर्विसेज को प्रमोट करे, एक स्पॉन्सर के थ्रू। एडवर्टीजमेंट का एडवांटेज क्या है? ये इकोनॉमिकल है, एक साथ बहुत लोगों तक जानकारी पहुंच जाते हैं। मेरे पास बहुत वैरायटी ऑफ चॉइस, हम टीवी में ऐड दें, पेपर में ऐड दें, रेडियो में ऐड दें, कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है जब उसको पूरा जानकारी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं और लेजिटिमेट है, मतलब ये इलीगल नहीं है, मानते हैं लोग इसको। लोग क्रिटिसिज्म में एडवर्टीजमेंट का क्या क्रिटिसिज्म करते हैं कि एडवर्टीजमेंट कई बार बहुत गंदा गंदा बनता है, कई बार हार्मफुल प्रोडक्ट का भी ऐड हो रहा है, वही दाने दाने में केसर का दम। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट ऑन वैल्यूज मटेरियलिज्म एंड लाइफस्टाइल। कई बार लोगों को बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट करके वो प्रोडक्ट भी बेच दिया जाता है जो उसके काम का नहीं है। तो कई बार कस्टमर को हेल्प करने से ज्यादा तो ऐड कंफ्यूज करते हैं। पर्सनल सेलिंग माने चौथा एलिमेंट, मीन्स सेलिंग पर्सनली। तो वो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन से माल बेचता है, दुकानदार के थ्रू हम अपना दुकान खोल के माल बेच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग के थ्रू माल बेच रहे हैं, कस्टमर के घर जाकर उनको प्रोडक्ट का जानकारी दे रहे हैं, रस्ते में वो जो लोग हैं तुम देखते हो गए इसका एक्वागार्ड वगैरह का लेके बैठे रहते हैं, जियो सिम वगैरह का लेके बैठे रहते हैं वो भी। तो पर्सनल सेलिंग का क्या फ़ायदा है? हमको लोगों का जरूरत समझ में आ जाता है उनसे बातचीत करके। मैं सेल्स पर्सन कहीं भी जाके बुक कर सकता है, तो लोगों के घर घर चला जाता है। ये बहुत इफेक्टिव तरीका प्रमोशन का। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस ऐसे ही करते हैं लोग, लोगों को भी जॉब मिल जाता है इस बहाने। तुमको भी अगर कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में तो लोग तुमको सामने सामने बैठ के समझा देते हैं, तुमको लेटेस्ट मार्केट का जानकारी देते हैं और वेस्टेज कम होता है। ये सब चीज़ का फायदा होता है। आजकल क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल रहा है? सर्विस मार्केटिंग, लोग सर्विस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। कस्टमर को रिटेन करने के लिए उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, ज़्यादा बात करना, वह सब ज़्यादा करते हैं आजकल कंपनी। नेटवर्क बनाते हैं, वही तुम दो लोगों को जोड़ो हम आगे दो लोगों को जोड़ेंगे। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन और उसका वैल्यू क्रिएशन पे जोर देते हैं। एथिकल मार्केटिंग पे आजकल बहुत बात होता है। एडवर्टीजमेंट वो दिखाते हैं जिसका वैल्यू हो बहुत ज़्यादा, ये सब भी करते हैं लोग आजकल। ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत चला हुआ है, इससे बेटर कंट्रोल है, एक्सपेंसेस कम लगता है ऑनलाइन मार्केटिंग में, कॉम्पिटिशन में एडवांटेज है और खर्चा भी कम लगता है, कस्टमर सर्विस बेटर होती है। नेक्स्ट है सर्विस मार्केटिंग। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। सर्विस मार्केटिंग माना होता है
मार्केटिंग परफॉर्म्ड और सर्विस सेक्टर देन इट इज नोन एज सर्विस मार्केटिंग। सर्विस सेक्टर पे परफॉर्म करना ही सर्विस मार्केटिंग, वही कस्टमर केयर वाले का बात हो रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और सोशल मार्केटिंग क्या हुआ, लोगों का भला करो इतना कि लोग मेरे प्रोडक्ट को खुद ही पहचानने लगे, यही ज्ञान वाला टॉपिक इतना काम कर रही है। रूरल मार्केटिंग माने ज्यादा गांव देहात में ऐड करना, वो सबका बात हो रहा है, ये उतना कुछ है नहीं पॉइंट, ये छोड़ सकते मार्केटिंग MM खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग HRM, नेक्स्ट वीडियो में HRM स्टार्ट करेंगे और इसको भी कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू।